गुड मॉर्निंग डियर पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एरुडाइट स्कूल ऑफ लर्निंग फतेहनगर। मोबाइल नंबर 7568077458। क्लास फर्स्ट, सब्जेक्ट मैथ्स, लेक्चर नंबर 15 एंड चैप्टर नंबर 1। कमिंग टू द आवर नेक्स्ट पेज एक्सरसाइज, देयर इज अ फर्स्ट एक्सरसाइज 1.8। And in this you have to compare the two digit numbers and you have to put the sign between them, that is greater than or less than। आपको इसमें two digit number को compare करना है और बीच में greater than or smaller than का sign लगाना है। So the first is given is 24 and 26। So in the previous lecture we have learned that first of all we will see the tens position digit and then we will go on the ones positions। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, जब भी हम टू डिजिट नंबर्स को काउंट कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले हम टेंस की पोजीशन पे जो डिजिट होगी उसको कंपेयर करेंगे, और अगर वो दोनों सेम, अगर टेंस की पोजीशन की डिजिट सेम हो गई तो हम फिर जाएंगे वंस की पोजीशंस पे। सो लेट्स सी 24 एंड 26। हियर द 2 एंड 2 इज द सेम, सो वी विल कंपेयर द 4 एंड 6, एंड 6 इज greater than the 4, so we will use the sign smaller than and we will see that we will spell like 24 is less than 26। first हमारे 24 और 26 दे रखा है। जब हम 24 और 26 को compare करेंगे तो आप देखेंगे 2 और 2 तो क्या है, same है। फिर हम आएंगे next ones की position में जो है 4 और 6, तो 4 और 6 में कौन बड़ा है, 6, तो 26 नंबर क्या हो जाएगा, 24 से बड़ा, और हम कौन सा साइन यूज़ करेंगे, यहाँ पे स्मॉलर देन का साइन यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे 26 बड़ा नंबर है और वो किस साइड दे रखा है, राइट हैंड साइड में। हम इसे कैसे स्पेल करेंगे, 24 इज ग्रेटर देन 26, सॉरी 24 इज स्मॉलर देन 26, हम कैसे बोलेंगे, 24 26 से छोटा है। नेक्स्ट इज 4 2 42 एंड 3 5 35। So first of all see the tens position digit, that is 4 and 3, and which one is greater, 4, so we will put the sign greater than because 42 is more than 35। For next हमारा दे रखा है 42 और 35। सबसे पहले हम tens की position देखेंगे, tens की position पे क्या दे रखा है, 4 और 35 में 3, तो 4 और 3 में से कौन बड़ा है, 4, तो कौन सा नंबर बड़ा हो जाएगा, 42, एंड वी विल यूज द ग्रेटर देन साइन। नेक्स्ट इज 1 9 19 एंड 2 1 21। सो लेट्स कंपेयर द टेंस पोजीशंस, द टेंस पोजीशन इज ऑफ 19 इज 1 एंड इन 21 इज 2, एंड द 2 इज ग्रेटर, सो 21 नंबर इज बिगर एंड वी विल यूज द स्मॉलर देन साइन। 19 और 21 में से कौन बड़ा होगा, 21, क्योंकि 21 की टेंस की पोजीशन पे क्या दे रखा है, 2, और 19 की टेंस की पोजीशन में क्या दे रखा है, 1, तो 1 2 से क्या होता है, छोटा, इस वजह से 21 नंबर बड़ा होगा। नेक्स्ट इज 28 एंड 22, टेंस पोजीशन इज सेम, सो वी विल गो ऑन द वंस पोजीशंस, एंड वंस पोजीशंस इज 8 इन 28 नंबर एंड 2 इन 22 नंबर, so the number 28 would be greater। 28 और 22 में से कौन बड़ा होगा, 28, क्योंकि first of all tens की position दोनों में क्या है, same, that is 2 2, तो हम ones की position पे जाएंगे, और ones की position पे क्या दे रखा है, 8, और 22 में क्या है, 2, तो कौन सा बड़ा हो जाएगा, 2 और 8 में से 8, इस वजह से 28 नंबर बड़ा होगा। नेक्स्ट इज 38 एंड 24, 38 एंड 24, नेक्स्ट इज 38 एंड 24, सो कंपेयर द नंबर एंड द 38 इज ग्रेटर देन 24, सो वी विल यूज द साइन ग्रेटर देन हियर। नेक्स्ट इज 46 एंड 63, सो कंपेयरिंग द टेंस पोजिशन, से द 46, 4 इज इन एट द टेंस पोजिशन and 6 in the 63 is the tens position and 6 is greater than, so the number 63 would be
bigger than the 46 and we will use the smaller than sign. Next is 97 and 99. The tens positions are same, so we will compare the ones position, that is 7 in 97 and 9 in 99. And obviously the 9 is greater than the 7, so 99 number is greater. So we will use the smaller than sign. Then we will say 97 is smaller than 99. Next is 68 and 98. First of all, we will compare the tens position, which is 6 in the 68 number and 9 in the 98 number. 68 और 98 को जब हम कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले टेंस पोजीशन पे देखेंगे. टेंस की पोजीशन में 6 है 68 नंबर में, जबकि 9 है 98 नंबर में. तो कौन बड़ा है 6 और 9 में से? ऑब्वियसली द 9 इज बिगर देन द 6, सो 98 नंबर इज बिगर देन द 8. सो वी विल यूज द स्मॉलर देन साइन एंड वी विल स्पेल लाइक 68 इज लेसर देन 98. Next is 19 and 28. First of all, see the tens position. 1 is in the 19 and 2 is at the tens position in 28. 2 is greater than the 9, so 28 number is bigger than the 19 and we will use the smaller than sign. Next is 29-31. Obviously, the 31 is greater than, because at the tens position there is a 3 in 31 and then 22 in the 29 number. So 29 is less than 31. Next, 82-87. Tens position is same, so we will go on the ones positions and we will see, we can see the 2 is lesser than the 7. So we will use the smaller than sign and we will say 82 is less than 87. Next is 10-9. Obviously, 10 is bigger than the 9, so we will use the greater than sign. Next is 98 and 89. Tens positions in 98 is 9, while in the 89, the tens position is 8, and the 9 is bigger in between the 9 and 8. 98 mein tens position pe kaun hai? 9, jabki 89 mein tens position pe kaun hai? 8. 9 और 8 में से कौन बड़ा होगा? 9. दैट्स वाई द 98 नंबर इज ग्रेटर देन द 89. नेक्स्ट इज 56-58. टेंस पोजिशन इज सेम, सो वी विल गो ऑन द वंस पोजिशंस एंड द 6 इज लेस देन द 8, बिकॉज 6 इन द वन पोजिशन इज 56 एंड 8 इज इन द पोजिशंस ऑफ वंस इन द 58. सो 56 इज लेस देन 58. And the last is 88-79. 88 is greater than the 79 because 8 is always bigger than the 7. So here we complete out this exercise. Coming to our next topic, that is GREATEST greatest and SMALLEST smallest number. That means we will see the greatest, that means the bigger of among all the numbers. And smallest means small, less amongst all the number. Greater and smallest number का मतलब होता है, greater मतलब सबसे बड़ा and smallest means सबसे छोटा. हम बहुत सारे number दिए होंगे, उसमें से हम greatest number देखेंगे और smallest number देखेंगे. मतलब दो चार जो number दे रखे होंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसमें से सबसे बड़ा number और सबसे छोटा number कौन सा, हम वो देखेंगे. So for an example is given here, which of the following number is the smallest and which is the greatest? That means you have to find the smallest and the greatest number among these three number. नीचे दिए गए तीन नंबरों में से आपको greatest और smallest number, greatest मतलब सबसे बड़ा number, smallest मतलब सबसे छोटे number को find out करना. 17, 12 and 19. So let's see. First of all, we will compare at the tens positions. And 1, 1 and 1 among in all the threes. तीनों में tens position पे कौन सा digit है? 17 में 1, 12 में 1 और 19 में 1. So हम कौन सा देखेंगे? हम ones position पे. So 17 में ones की position पे 7, जबकि 12 में है 2 और 19 में कौन है? Ones की position पे 9. So which is the greatest number? 9
So 19 is the greatest number. Then the smallest is the 2. So the 12 number is the smallest number. जब हमने वंस की पोजीशन कंपेयर की 17, 12 और 9 में, तो 17 में कौन है 7, 12 में कौन है 2 और 19 में कौन है 9. तो सबसे बड़ा कौन हो गया 9, तो कौन सा नंबर बड़ा हो जाएगा 19, और सबसे छोटा क्या हो गया 2, सो सबसे छोटा नंबर कौन सा हो जाएगा 12. सो 19 इज़ द ग्रेटेस्ट एंड 2 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर. नेक्स्ट वन मोर एग्जाम्पल इज गिवन हियर. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज smallest and which of the following is the greatest among the same question 29, 32 and 17. 29, 32 और 17 में से सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है. सो यू नो वेरी वेल द फर्स्ट स्टेप. द फर्स्ट स्टेप इज वी विल कंपेयर द टेंस पोजिशन. सो लेट्स सी वॉट विच डिजिट एट द टेंस पोजिशन इन ऑल द थ्री. 2 इज द टेंस पोजिशन इन 29. 3 is the tens at the tens position is 32 and 1 is at the tens position in the 17. 29 में tens की position पे कौन है 2, जबकि 32 में कौन है 3 और 17 में कौन है 1. So among 1, 2, 3, which one is greater 3 and which one is smaller 1. So 1, 2, 3 में सबसे बड़ा कौन हो जाएगा 3 और सबसे छोटा कौन हो जाएगा 17. तो नंबर कौन सा हो जाएगा सबसे बड़ा 32 and the smallest number is 17. This is how you have to find out the smallest and the greatest among the several number. आपको बहुत सारे नंबर दिए होंगे, उसमें से आपको इसी तरह से सबसे बड़ा और सबसे छोटा, greatest और smallest number find out करना है. Let's do the exercise so you can better understand. Exercise करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. So first question is circle the greatest number. That means you have to circle the greatest number. सबसे बड़े number को आपको क्या करना है circle. First is 3, 29 and 78. So which is greater 78. 78 सबसे बड़ा है तो हम इस पर circle कर देंगे. Second 7, 9 and 5. Which one is greater 9. So we will circle the 9 here. Next 13, 9 and 17. So let's compare these digits between the 13 and 17. हम 9 को काउंट ही नहीं करेंगे क्योंकि 9 तो क्या सिंगल डिजिट, तो ऑब्वियसली 2 डिजिट से क्या होगा छोटा होगा, तो हम 13 और 17 को कंपेयर करेंगे. इन 13 एंड 17 द टेंस पोजिशन इज सेम, सो वी विल कंपेयर द वंस एंड द वंस इज 7 इन द 17 एंड 3 इन द 13. जब हम 13 और 17 को कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों की टेंस पोजीशन क्या है 1 1, तो हम किस पे जाएंगे वंस की पोजीशन पे. और वंस की पोजीशन 13 में क्या है 3, जबकि 17 में क्या है 7. सो कौन बड़ा होगा 7, तो नंबर कौन सा बड़ा हो जाएगा सबसे 17. सो वी विल सर्कल दिस 17. नेक्स्ट इज 38, 39 एंड 34. यू हैव टू फॉलो द सेम प्रोसीजर दैट द फर्स्ट इज टेंस प्लेस एंड देन द वंस प्लेस. आपको हमेशा सेम प्रोसीजर क्या करना है फॉलो करना है. सबसे पहले आपको टेंस पोजीशन देखनी है, फिर वंस की पोजीशंस देखनी है. अगर टेंस पोजीशन सेम है तो फिर आपको किस पे जाना है वंस की पोजीशन पे. सो अमंग द 38, 39 एंड 34 द 39 इज द ग्रेटेस्ट नंबर. नेक्स्ट इज 93, 91 एंड 96. सो लेट्स कंपेयर एंड फाइंड आउट द नंबर एंड द 96 इज द ग्रेटेस्ट नंबर. 52, 54 एंड 50. सो विच वन इज ग्रेटर 54. 52 और 50 और 54 में सबसे बड़ा कौन हो जाएगा 54. नेक्स्ट 56, 66 एंड 46. विच वन इज ग्रेटर 66. देन 18, 28, 38. विच वन इज ग्रेटर 38. Then 76, 86 and 66. So which one is greater? 86. Next is 6, 7 and 76. So obviously there is no comparison and 76 is greater. 6, 7, 76 में से comparison ही नहीं करना पड़ेगा आपको. सबसे बड़ा number कौन जाएगा 76.
Next is 37, 28 and 19. So which one is greater? 37. Next, 95, 58 and 73. So let's compare the first the tens positions. And tens position is 59 is 9, while in 58 is 5 and 7 is in the 73. सबसे पहले हम टेंस पोजीशन देखेंगे. 95 में टेंस पोजीशन क्या है? 9, जबकि 58 में 5 है और 73 में 7 है. सो सबसे बड़ी डिजिट कौन सी हो जाएगी? 9. और नंबर कौन सा हो जाएगा? 95. नेक्स्ट इज 80, 72 एंड 64. सो 80 इज द ग्रेटेस्ट अमंग दैम. नेक्स्ट 90, 99 एंड 9. सो ऑब्वियसली 99 इज ग्रेटेस्ट. And last is 80, 60 and 90. So which one is greater? 90. Now circle the smallest number. That means the आपको सबसे छोटे number पर circle करना है. First is 15, 16 and 14. We have to follow the same procedure that first the tens, check the tens positions and then the ones position. इसमें भी हमें same procedure follow करना है. सबसे पहले हम tens की position compare करेंगे, फिर हम ones की position. So let's compare 15, 16 and 14. So 1 is same. So we'll compare 5, 6 and 4. So which is the smallest number? 4. So we'll circle the 14 number. हम क्या करेंगे? 15, 16, 14 में से सबसे पहले tens की position देखेंगे और तीनों में कौन है tens की position पे? 1. फिर हम देखेंगे ones की position और तीनों में 14 में 4 है, 16 में 6 है और 15 में 5 है. तो सबसे छोटा कौन सा नंबर हो जाएगा? 4. और 14 नंबर सर्कल करेंगे. नेक्स्ट इज 30, 40, 50 एंड यू नो वेरी वेल द 30 इज द स्मॉलेस्ट. नेक्स्ट 19, 34 एंड 28. सो विच वन इज ग्रेट स्मॉलेस्ट? 19 नंबर. देन 37, 17 एंड 57. सो 17 इज द स्मॉलेस्ट. नेक्स्ट ई 45, 74 एंड 54. सो विच वन इज स्मॉलेस्ट? 45. Next F 62, 72 and 82. So which one is smallest? 62. Next 63, 36 and 71. Which one is greater? Sorry, which one is smallest? 36. Then H 38, 17, 42. Among the 38, 17 and 42, which is the smallest? 17. Next 94, 32 and 67. Which is the smallest? Compare the tens position 9, 3 and 6. टेंस पोजीशन देखे, 94 में कौन है? 9 है, जबकि 32 में 3 है और 67 में 6 है. तो सबसे छोटा कौन सा डिजिट होता है? 3. 9, 3 और 6 में से तो नंबर कौन सा हो जाएगा? 32. देन जे 88, 68, 78 एंड द 68 इज द स्मॉलेस्ट. देन 69 के 69, 46 एंड 94. द स्मॉलेस्ट इज 46. एंड L 32, 29, 40 and which one is smallest? 29. So here we complete our exercise. Coming to our next topic, that is ascending ascending, order order, and descending descending, order order. That means ascending order and the descending order. हम नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे? असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. सो लेट्स सी व्हाट इज इट. फर्स्ट इज असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजिंग नंबर्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट. दैट मीन्स अमोंग द सेवरल नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द स्मॉलेस्ट नंबर, देन वी गो टूवर्ड्स द लार्जेस्ट नंबर. असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि अगर आपको कुछ बहुत सारी क्या दे रखे नंबर्स दे रखे, तो उन नंबर में से सबसे पहले कौन सा नंबर लिखेंगे आप? स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, मतलब हम छोटे से बड़े की तरफ बढ़ेंगे. जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ते नीचे से ऊपर, वैसे तो सबसे पहले हम फर्स्ट सीढ़ी चढ़ते, फिर सेकेंड, फिर थर्ड एंड देन फोर्थ. सो दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा. लेट्स सी द एग्जाम्पल. द नंबर्स 29, 52, 37 and 18 is given here. So first we will write the smallest digit, that is 18, then the 29, then the 37 and the 52, and we will use the lesser than sign. Ascending order में हम कौन सा sign use करेंगे? Lesser than sign, मतलब हमारा मुँह हमेशा बड़ी digit की तरफ खुला रहेगा.
और असेंडिंग में सबसे पहले हम कौन सा नंबर लिखेंगे, यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे 29, 52, 37 और 18, आपको चार नंबर दे रखे हैं। सबसे पहले नंबर कौन सा लिखेंगे आप, 18, फिर 29, फिर 37 एंड फिर 52, और बीच में साइन कौन सा लगाएंगे, लेसर देन का साइन। नेक्स्ट डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर इज जस्ट ऑपोजिट टू द असेंडिंग ऑर्डर, दैट मीन्स अरेंजिंग नंबर्स फ्रॉम द लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। अब सोचो आप सीढ़ियाँ तो चढ़ गए, अब आप क्या उतरोगे, सीढ़ियों से नीचे, तो सबसे पहले एकदम फर्स्ट टॉप फ्लोर वाली सीढ़ियाँ उतरोगे, फिर उससे नीचे वाली, फिर उससे नीचे, और फाइनली आप कहाँ आ जाओगे, सबसे नीचे। तो डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा, दैट मीन्स फ्रॉम लार्जेस्ट टूवर्ड द स्मॉलेस्ट, सबसे बड़ा डिजिट पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। लेट्स सी द एग्जांपल, 16, 9, 34 एंड 61, एंड वी हैव टू अरेंज दिस नंबर इनटू डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे कुछ नंबर दे रखे हैं जिसे हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, तो सबसे पहले हम कौन सा लिखेंगे, बड़ा नंबर, सबसे लार्जेस्ट, द लार्जेस्ट वन, 61, देन 34, देन 16 एंड देन 19। ओके, सो वी, you can see the 61 is greater than 34, then you can see the 34 is greater than 16 and then 16 is greater than 9. सबसे पहले हमने कौन सा लिखा, 61, फिर हम उससे घटते घटते गए, कम करते गए, और हम फिर आए 34 पे, फिर 16 पे और फिर 9 पे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर्स क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं, कम हो रहे हैं, और कौन सा साइन यूज़ करेंगे हम, ग्रेटर देन साइन। You can see here the picture, a girl is the girl is using the stairs and she is going upwards। एक girl है जो सीढ़ियों से क्या कर रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, means वो ascending order की तरफ, ascending order में आगे जा रही है, जबकि एक boy है जो क्या कर रहा है, सीढ़ियों से उतर रहा है, he is coming downward the stairs, वो सीढ़ियों से उतर रहा है, that means ही इज़ गोइंग इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है मतलब वो क्या हो रहा है, बड़ी सीढ़ी से छोटी की तरफ जा रहा है, सबसे ऊपर वाली सीढ़ी से सबसे नीचे वाली सीढ़ी की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो कौन से ऑर्डर में जा रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। इन असेंडिंग ऑर्डर हम स्मॉलर साइन का यूज़ करेंगे, स्मॉलर देन साइन का, और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम ग्रेटर देन साइन का यूज़ करेंगे। So here we complete our this lecture. You have to do this all these stuffs in the exercise in the book and send it on the school WhatsApp number before 9 o'clock. आपको अपना ये homework book में करके pencil से school के WhatsApp number पे 9 बजे से पहले send करना है। Thank you and till then have a nice day and keep practicing.